गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार कर रहे थे ना कि मैं आके आप लोग के लिए बायोलॉजी पार्ट 9 लाऊंगा। तो तैयार है आप लोग के लिए बायोलॉजी पार्ट 9। और आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं। और आप लोग मेरे वीडियो देखने से क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, आप लोग इसे भी ज़रूर बताएं। आप लोगों को जान लें कि मेरे वीडियो देखने से कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और आप लोग इसे ज़रूर लाइक करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को कुछ भी थोड़ा सा भी फायदा पहुंचाता है तो आप लोग कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और साथ ही साथ दूसरे दोस्तों को भी मेरे वीडियो के बारे में अवश्य बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधा क्या कहलाता है? तो जीरोफाइट्स या मरुद्भिद। जिस तरह से आपको बोले कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, उसी तरह चट्टानों पर, गोबर पर और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस तरह से क्या पौधे कहलाते हैं, आप लोग उसको अच्छे से लिख लीजिएगा सिलसिलेवार ढंग से और याद कर जाइएगा। कुनेन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो लैक्टोमीटर से। क्वासियर कोरे और मरास्मस की बीमारी होती है किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। असत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो बीजांड से। सत्य फल या असत्य फल कहाँ से प्राप्त होता है, सॉरी सत्य फल या असल फल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये आप लोग के लिए क्या रहा, होमवर्क। आप लोग कॉपी में लिखें और इसे कमेंट करके बताइए, कम से कम सभी लोग बताइए कमेंट करके क्या क्या आंसर आप लोग का लगता है। आप लोग आंसर बताइए, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो कमेंट करना क्यों भूलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, हर एक दिन कम से कम 7 और 10 मिनट आप लोग टाइम निकालिए, मेरा वीडियो देखना चालू कर दीजिए। मैं प्रत्येक दिन लाता हूं आप लोग के लिए बेहतरीन वीडियो, लेकिन वही है कि आप लोग क्या करते हैं उसे नोट नहीं करते। नोट करना शुरू कर दीजिए। अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो तना। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वाल्डेयर। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफेलिज मच्छर। अगर मैं स्पीड बोलता हूँ तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा और सारा चीज़ एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है, नोट करने में आसानी होगी। या मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा हाथ हिल जाता है, आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके अलावा आज का ये लास्ट सेशन था बायोलॉजी का, आप लोग क्या कीजिएगा, सभी जो यहाँ मैं लिखा हूँ प्रभावित अंग पर, रोग उसके कारण पर, आविष्कारक एवं खोजकर्ता पर, खाने योग्य भाग पर, सबसे बड़ी एवं छोटी पर, स्रोत पर, ग्रंथि पर, मानव शरीर पर, ये सभी पर खुद नोट्स बनावें और अच्छे से तैयारी करें, तब जा करके आपका सारे प्रश्न टच करेंगे। अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो ये आपकी गलती होगी। आप लोग का एग्ज़ाम जब नहीं निकलेगा तो झूठ मूठ में आप लोग क्या तब कमेंट कीजिएगा कि हम लोग को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तब बताइएगा। तो हम बोलते हैं अभी अगर आप लोग बता दीजिएगा किस तरह से परेशानी होती है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का वीडियो चाहते हैं आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं उस पर तैयारी करके आप लोग को दे दूंगा ना। तो आप लोग बताइए प्लीज़, आप लोग बताते नहीं है, जितना ज़्यादा आप लोग बताइएगा उतना ज़्यादा ही आप लोग को फ़ायदा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को जैसे ही आप लोग कंप्लीट कीजिएगा तो आप ऑप्शन वाला भी आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा कि आप लोग सही टिक कर पा रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि खाली प्रैक्टिस करते गए उधर और इधर आप प्रैक्टिस इधर नहीं की। आप लोग प्रतिदिन आप लोग क्या कीजिए, एक सेट बनाइए और सेट बनाइएगा कि देखिएगा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन टच कर रहा है नहीं और क्या कौन सा प्रश्न आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? तो आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है और आपका इस आंसर जो हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं। इसको पढ़े थे तभी तो आप ये टिक कर पाए और ये सब ऑप्शन अपने आप छट गया। तो 4 ऑप्शन आपके पास रहता है, आप लोग क्या करते हैं फिर भी आप लोग टिक नहीं कर पाते। तो आप लोग टिक करना शुरू कर दीजिए और आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखिए और दूसरे दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करें, हर एक लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाएं, भारत के हर एक कोना में मेरा वीडियो पहुंचाएं। और अगर आप लोग और भी फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो मैं कुछ चैनल भी आप लोग को बता दूंगा, जैसे वाईफाई चैनल बहुत अच्छा नॉलेज देता है, आपका जो है SSC CGL पाठशाला वो भी बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग देखते हैं हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखा कीजिए, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए और हम लोग सभी निकाल लेंगे तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमेशा बोलते हैं अपने माँ बाप को खुश रखिए, क्योंकि अपने माँ बाप का जो कदर नहीं करता वो ज़िंदगी में कोई भी तरक्की करने के बावजूद भी कुछ भी अच्छा नहीं होता उसके साथ, ठीक है। तो आप लोग हमेशा कदर कीजिए,
आज के आज के वीडियो में इतना ही, कल आप लोग को दूंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट, तो आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल और बने रहिए, और साथ साथ दूसरे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय